हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो हो सकता है ड्यूटी है इस टाइम आप लोगों के जो पार्टनर हैं बहुत ही बड़े मेजर शिफ्ट से निकल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वो बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे ग्रोथ करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जो उनकी लाइफ में ब्लॉकेज बने हुए थे या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कुछ ऐसे कैरियर जॉब भी हो सकता है जिसमें वो फंसे रहने की वजह से, बिजी होने की वजह से या कुछ अलग टाइप की सिचुएशन कंडीशन हो सकती हैं जिनकी वजह से वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर ने हर एक चीज़ में अपना बिलीफ सिस्टम तैयार किया है जिसमें वो खुद की जो बर्थ है उसको पहचाने हैं और आपकी वैल्यू को जाने हैं, और आप तक पहुंचने के लिए उन्हें अब किसी भी चीज़ से गुजरना पड़े तो वो गुजरने को तैयार हैं। इस तरीके से अपने ऊपर उन्होंने बिलीफ सिस्टम पर काम किया है। जो चीज़ हमारी लाइफ में ब्लॉकेज बन जाए या हमारी रिलेशनशिप को, जो एक डिवाइनली गाइडेड लव रिलेशनशिप है या अपना शिव शक्ति है, उस चीज़ को वो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए, जिसे आप ट्विन फ्लेम आप कहते हैं, वो भी ट्विन फ्लेम की तरह ही एक स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद को समझाने की जो जरूरत थी और उन्होंने अपने आप को समझा लिया। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क होगा तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उनकी इनर वॉइस, डिवाइन एंजल सब उनके समझाने में लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को जो क्लैरिटी मिलती चली जा रही है और जिसकी वजह से वो लोगों के फेस को देखना शुरू कर दिया है कि कौन मेरे लिए सही है, किसने मेरे लिए क्या गलत किया, कौन सही था, ये सब उनको पहचान हो गई है। वो कभी भी इन चीज़ों से मतलब अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन मेरी लाइफ में अगर आ रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। हर तरीके से उनके पीछे के फेस उनके सामने रिवील हो चुके हैं और जो अभी आगे भी होंगे तो ईजिली उनका हो जाएगा कि वो किसी पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे थर्ड पार्टी पर। ठीक है जी, अब आपकी तरफ पॉजिटिव होके, क्योंकि आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, जो लव है, वो उनको किसी के साथ नहीं मिला और जितना आप केयर कर सकते हुए वैसा भी उनके साथ कोई ऐसा पार्टनर उनके लाइफ में आया ही नहीं था। हर कोई अपने मकसद को पूरा करके ही निकलते चले जा रहा था। इस तरीके से आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग प्रोसेस अच्छे से ग्रो किया है और क्लैरिटी उनको हर चीज़ में मिलती चली गई कि नहीं, यही पर्सन था जिसने मेरी ग्रोथ की है, चाहे नेगेटिव किया है चाहे मेरे साथ पॉजिटिव किया, लेकिन इन्होंने ही मेरी ग्रोथ की है। जैसे डीएफ आप लोगों की ग्रोथ इनकी वजह से होती है, ऐसे ही इनकी भी आपकी वजह से ही ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ ही आपके लिए पॉजिटिव कोर होते चले जा रहे हैं और आपकी तरफ पास होते चले जा रहे हैं। तो कभी भी कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों का थ्रॉट ब्लॉक हो जाए, आपको पेन हो सकता है आपकी नेक में और थोड़ा सा शोल्डर पेन हो सकता है। हाँ, लिटिल बिट हो सकता है कि अभी भी इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो या अभी भी उन्हें थोड़ा सा फेयर से ऑपरेट कर रहे हो तो आपके साइकिल पर भी प्रॉब्लम पड़ सकती है, लेकिन रूट के ऊपर आपको बैलेंसिंग चल रही है तो थोड़ा सा रूट को लेकर भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और कल पोर्टल है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं या कॉल मैसेज करके आपसे प्रपोजल आपको दे सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ आगे ग्रोथ करना चाहते हैं और डिवाइन को सरेंडर फुली कर दिया है। अगर आपके बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो खुद से वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो वो डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हुए आपके लिए पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कभी भी ये मिरेकल हो सकता है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, कल 886 का फिर से पोर्टल है तो जिनको रीडिंग लेनी हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।